सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं सबको बताना थैंक चाहूंगा, ये मनीष कुमार जी हैं जो जी। हमारे चैंपियन हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स है कि एक लीग में हमने किसी के बीच में कुछ वो नहीं रखा, सबके सब बराबर है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। मैं बस इतना ही बोलूंगा, सबके लिए सब कुछ एकदम इक्वल है। आप ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं? सर मैं ग्वालियर, मध्य प्रदेश ग्वालियर में रहता हूँ सर। ओके, तो कैसा हाल चाल है उधर अभी? सर टोटल लॉक है सर वेरी गुड, तो आराम से घर पे रुके हो? जी। सर घर ओके, खाना पर पीना सब ठीक हो रहा है? जी सर बिल्कुल। और बाकी आपके सराउंडिंग एरिया में सब कैसा पता चल रहा है, कि सब के सब लॉकडाउन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है सर हमारी सिटी में ग्वालियर में। ओके, चलो टच वुड, और वेरी गुड। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे के ऐसे ही रहे बिना पेशेंट्स के। और जो वहाँ के लोग जो लग रहा है कि बहुत ही समझदार है, वो जी वैसे ही रहे और पूरा भारत वैसे ही रहे लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि ये जरूर 2 हफ्ते और की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर 2 हफ्ते और थोड़े से सब चैन से बैठ जाएंगे तो ये मामला काफी हद तक हल हो जाना चाहिए। ये तो नहीं होगा कि एकदम हम उठेंगे और मामला हल हो चुका होगा, लेकिन ये जी जरूर है सॉल्व हो चुका होगा और हम धीरे 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 फिर जो हमारी नॉर्मल जिंदगी डिसरप्ट हुई है उसमें फिर हम वापस जा पाएंगे। सर तो एक चीज बताइए, आप ग्वालियर से ही हैं, वहीं पे बड़े हुए, तो जी सर ग्वालियर से ही। थोड़ा अपने बचपन के बारे में आप बताइए। सर मैं यहाँ सर यही ग्वालियर में पैदा हुआ था और जब मैं 9th क्लास में था सर 1995 में, तब सर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई थी ग्वालियर में। फिजिकल कॉलेज LNUP कॉलेज है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई थी। वहाँ मैंने 3rd पोजीशन सिक्योर की आर्म रेसलिंग की ना? थी, आर्म रेसलिंग ओके, करेक्ट। थर्ड पोजीशन सिक्योर की थी 1995 में। लेकिन आपका देन आइडिया सर कहाँ से आया कि मुझे आर्म रेसलिंग करना है? वो आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं आर्म रेसलिंग करना चाहता हूँ? जी सर 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 मैं बचपन से ही हल्की फुल्की कसरत कर रहा था, मतलब कुछ भी चीज उठाना या जिसको किसी भी चीज को पकड़ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं कि मेरे हाथों में ज्यादा ताकत है। फिर मुझे पता चला कि आर्म रेसलिंग जैसी भी कोई कंपटीशन होते हैं, तो मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में गया, बाई चांस ही गया। मेरे को आइडिया नहीं था कि मैं जीतूंगा या ये मेरा करियर बनेगा। तो मैं वहां गया तो मेरे को सडनली वेट कराना पड़ा और मैं खेल गया। खेल गया तो मेरी डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन पड़ी 55 किलोग्राम में। तो वेरी गुड। वहां से सर इंटर, और ये नॉर्मल वाला कैटेगरी था? हाँ सर नॉर्मल कैटेगरी था सर। तब ओके सर डिसेबल्ड नहीं होता था सर, ओके 1995 में डिसेबल्ड नहीं होता था। ओके जनरल क्लास से मैंने उसको किया कंप्लीट। यहाँ प्रवीण डवास करते ग्वालियर में, प्रवीण दास तो सॉरी मैं सॉरी हूँ। कोई सॉरी बात नहीं, डवास सर थे हमारे। तो उन्होंने मेरे को कोच एज ए कोच ज्वाइन किया और उन्होंने ना मुझे काफी सिखाया। तो धीरे धीरे फिर मैं स्टेट चैंपियन बना। फिर 2000 में पुरी में नेशनल चैंपियन बना डिसेबल्ड से। फिर रेगुलर में खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा। फिर सन 2006 में मैं इंग्लैंड गया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो वहां पर मैंने 4th पोजीशन सिक्योर की डिसेबल क्लास में। फिर वेरी मुझे गुड। स्टेट गवर्नमेंट का सबसे कौन बड़ा से एबल्ड अवार्ड कैटेगरी में? जी ओ सॉरी, स्पेशल एबल्ड जो ओपन कैटेगरी जो था। ओके, स्पेशली एबल्ड कैटेगरी जो थी, ओपन डिसेबल कैटेगरी, कैटेगरी थी, ओके 75 किलोग्राम में। ओके। देन सर मध्य प्रदेश की सरकार ने मुझे यहाँ का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड जो होता है विक्रम अवार्ड वो दिया। फिर ओके 2 साल बाद मुझे स्पोर्ट्स कोटे में जॉब भी दी। हाँ मैं एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से खेलता हूँ ओके और मैं शायद संभवतः ऐसा ही प्लेयर हूँ जो कि जिसे। देन सर उसके बाद रेगुलर में नेशनल चैंपियन रहा। 2012 में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्राजील में गया, उसके बाद मलेशिया में गया सर। मलेशिया में मैंने सर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया ओ वेरी गुड, 2015 में। फिर ये वेरी गुड। सर मैं बुल्गारिया गया 2016 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उसके बाद मैं ये बुल्गारिया आने के जाने बाद का खर्चा कौन देता था? ये आपने उठाया खुद या सरकार देती थी? सर हमारे यहाँ हमारा डिपार्टमेंट भी इसको सपोर्ट करता है और यहाँ सर कंपनीज हैं
और सर ये सिटी जो है ये सिंधिया जी की सिटी है सर, ये इट इज द सिटी ऑफ ज्योतिराज सिंधिया ऑफ कोर्स, और वो सर हमें काफी सपोर्ट करते हैं यहाँ पे ग्वालियर में तो हमारा चलता रहा सर, मतलब ये चैंपियनशिप चलती रही, कजाकिस्तान भी खेला, उसके बाद टर्की में सर मैं 2018 में खेला वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें सर फिर मुझे है ना जो 15 में जो गोल्ड सिल्वर मेडल मिल रहा था वो कन्वर्ट होकर के डोपिंग के कारण मेरे को गोल्ड गोल्ड हो गया और जो सिल्वर था उसे बाहर कर दिया गया टर्की वाले प्लेयर को, तो नाउ दैट टाइम आई एम वर्ल्ड चैंपियन, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, और सर रेगुलर नेशनल चैंपियन है ही, और सर आपकी लीग में भी हमने सर डिसेबल क्लास में चैंपियन रहा, इसके अलावा सर नेशनल में भी सन 2012 में जनरल क्लास से भी मेरा गोल्ड मेडल है सर। वेरी गुड, तो एक चीज बताइए, तो आपको सरकार की तरफ से नौकरी भी मिली हुई है, तो उसमें आप सर क्या काम कर, कुछ काम करना पड़ता है? एक्साइज डिपार्टमेंट में हूँ सर, उसी की तरफ से खेलता हूँ। एक्साइज डिपार्टमेंट, ओके, तो उसके लिए ऑफिस जाना पड़ता है? का डिपार्टमेंट जी सर, ये सर लिकर का डिपार्टमेंट है, लिकर जो होती है ना मध्य प्रदेश शासन की जो लिकर होती है उसका डिपार्टमेंट है, और मैं एज ए क्लर्क वहाँ ज्वाइन हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता, मैं वर्क से लगभग फ्री रहता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ काम पड़ता है तो मैं उसे करता हूँ। तो अभी लॉकडाउन सर एक्साइज अभी एक्साइज डिपार्टमेंट तो कोई का फोन आता है नहीं कि सर दारू दिलवा दो कुछ, मैंने कहा अभी लॉकडाउन के टाइम वाइन शॉप वगैरह सब बंद है। ऑडियो कट हो रहा है सर, मैंने कहा अभी लॉकडाउन के टाइम अभी सब दारू की दुकानें सब बंद हैं, तो किसी दोस्त वगैरह का फोन आते हैं या नहीं जानकारों के कि सर कुछ दारू दिलवा दो? मैं दोबारा बोलता हूँ, मेरे ख्याल से आवाज कट हो रहा है सर, वो कट है। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैंने कहा कि अभी लॉकडाउन के टाइम किसी को दारू नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा आपके पास किसी का फोन आता है या नहीं कि सर दारू दिलवा दो मुझे? हाँ सर रेगुलर आते हैं मेरे पास फोन, बहुत आते हैं सर कि यार तुम तो एक्साइज डिपार्टमेंट है, मुझे कहीं एक बोतल हाफ या क्वार्टर ही दिलवा दो, तो सर इट इज नॉट पॉसिबल नाउ दैट टाइम, तो मैं मना करना पड़ता है मुझे। ओके, वैसे आपको क्या लगता है? वैसे मुझे जो लगता है, मुझे तो लगता है कि ये एक, एक कुछ ना कुछ तो निकालना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास अभी घर पे बैठते हैं सब, एक ड्रिंक पीना चाहते हैं, और सबका जो कोटा है स्टॉक है वो तो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, अभी 2 हफ्ते और निकालने, तो मेरे हिसाब से सरकार को कुछ तो लोगों के लिए करना चाहिए कुछ कि और, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्होंने अब दुकानें खोल दी तो वहां पे तो साला सबसे बड़ी लाइन उधर लग जाएगी लोगों की। तो आपका क्या कहना है वैसे, वैसे कि कुछ ना कुछ करना चाहिए लोगों के लिए या अभी बंद ही रखना चाहिए? जी सर, मैंने कहा आपका राय क्या है वैसे, बंद ही रखना चाहिए या कुछ एक दो कुछ दिनों के लिए? हाँ सर, अभी अभी कुछ दिन तक तो बंद रखना चाहिए। ओके, तो वेरी गुड। अभी एक चीज बताइए, जैसे आपने प्रोपंजन लीग के बारे में सुना अपने जो भी लोगों के लोगों से, तो फिर आपने उसके बारे में प्लान कैसे बनाया कि मुझे जाना है प्रो पंजा लीग में? ऑफ कोर्स आप नेशनल चैंपियन थे, तो मेरे ख्याल से आपके आना जाना और सब कुछ उसका ख्याल हमने किया होगा, रहन सहन का भी सब प्रो पंजा लीग वालों ने ही किया होगा। जी सर, सर तो सर ये बहुत ही आपकी बहुत ही अच्छी पहल थी सर प्रो पंजा लीग की, और बहुत ही अच्छी सुविधाएं हमें मिली और बहुत मजा आया टूर्नामेंट में। सॉरी, और सर इसका इतना अच्छा अरेंजमेंट पहले कभी किसी टूर्नामेंट में सामान्यतः नहीं देखने को मिलता था, आपने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हमें, और ऐसा कैश प्राइज भी कभी नहीं मिला था नेशनल स्टैंडर्ड पर, और वो सर मतलब बहुत ही अच्छा था सर, और मेरी विश है कि ये जो आर्म रेसलिंग अपनी चैंपियनशिप है लीग है, ये वर्ल्ड की सारी आर्म रेसलिंग लीग को बीट करेगी, ऐसा सर मेरा विश्वास है सर। थैंक यू सो मच, वो तो हमारा भी क्या कहते हैं ट्राइंग यही होगा, कोशिश यही होगी कि बहुत ही जल्द हम वर्ल्ड्स बेस्ट लीग में आना जाए। अभी ऑफ कोर्स लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा रुकावट आया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर हम जल्द जैसे ही खत्म होगा दोबारा जल्द इसका जो मेन जो टूर्नामेंट है उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा आप अपना जो इस टूर्नामेंट में जो टेबल पे जो आपका एक्सपीरियंस था, मेरे ख्याल से आपका फाइनल बूटा सिंह के साथ हुआ था, करेक्ट?
यस सर, यस सर। तो आप अपना थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस ऑन द टेबल बाकी सब खिलाड़ियों के साथ कैसा रहा? सर बुमराह सिंह के साथ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि सर वर्ल्ड स्टैंडर्ड की तैयारी करता हूँ तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई डिसेबल क्लास में। और सर मैं जनरल क्लास से भी कई बार है ना नेशनल चैंपियनशिप, तो जनरल क्लास में वाकई बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन था और डिसेबल में थोड़ा सा लाइट था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि कई लोगों ने बोला कि बहुत ज्यादा था, पुराने जो वर्ल्ड मेडलिस्ट थे वो भी हार गए, मेरे क्लास में एक वर्ल्ड मेडलिस्ट भी था, दो वर्ल्ड मेडलिस्ट थे, जो अरविंद रजक जो था मेरा स्टूडेंट है वो थर्ड प्लेस उसकी पड़ी, एक लड़का आसाम से था वो बाहर हो गया, और भी लड़के थे। तो लेकिन सर मेरी तैयारी इतनी प्रॉपर थी कि मैं मतलब ज्यादा मुझे टफ नहीं लगा, मेरे को नहीं लगा। और तो आपका फाइनल के बारे में कुछ बताइए, जो बूटा के साथ जो हुआ फाइनल वो। जी सर, जैसा कि सर मेरे स्टूडेंट अरविंद रजक ने बताया जो कि बूटा सिंह से हार गया था, तो उसने बोला मुझसे कि सर इससे बूटा से ना मतलब प्रॉपर खेलना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है सर, सर मेरे को समझाया उसने। तो मैंने कहा ठीक है, मैं केयरफुल रहूंगा उसके लिए, और उसने बोला कि हुक में वो बहुत ज्यादा टाइट है सर, जबकि मेरा स्टूडेंट जो अरविंद रजा के वर्ल्ड मेडलिस्ट है उसने बोला कि सर हुक में उसके साथ केयरफुल खेलना, फोकस का बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं भी सर हुक से ही खेलता हूँ, तो मैं हुक से ही खेला और मैंने उसे बीट कर दिया, शायद 2-4 सेकंड में मैंने बीट कर दिया। चलो वेरी गुड। तो बाकी आपका सब जो एक्सपीरियंस वगैरह था वो अच्छा था, आप कह सकते हैं आप दोबारा इसमें ऑफ कोर्स मेन टूर्नामेंट में, अभी तो आप उसके नंबर वन सीड हैं जी, तो आप दोबारा तो ऑफ कोर्स आना चाहोगे ही। और अभी इसका जो चैंप जो नंबर वन सीड है ऑफ कोर्स उनका तो बिल्कुल डायरेक्ट जोनल्स में एंट्री होगी, तो आपका क्या उम्मीद है अभी जब नेशनल और अभी जब हम पूरे कंट्री में घूमते हुए जाएंगे तो कंपटीशन और भी बढ़ेगा? यस सर, कंपटीशन भी बढ़ेगा और सर मजा भी आएगा, जो खेल का मजा आएगा सर, और ऑफ कोर्स कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन सर उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो ज्यादा करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल, और मैं ज्यादा करूंगा मैं ही जीतूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा मनीष भाई कि आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि आप और आपकी फैमिली बिल्कुल ही सेफ रहें ग्वालियर में अगले 2 हफ्ते। और आप कुछ जाने से पहले कुछ बोलना चाहेंगे कुछ और? सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जिस तरह से इस लीग के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें कोई ईश्वर ना करे कोई बाधा आए, और आप इस लीग को पूरे वर्ल्ड फेम बना दें और मतलब मजा आ जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सबको मैं ये जरूर प्रॉमिस करता हूँ कि मजा आएगा, बहुत आएगा। अभी तो ये शुरुआत थी जैसे मैंने आपको बताया, और शुरुआत के साथ ही सब देख चुके हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ऑलरेडी बन चुका है, और जो जब ये मेन टूर्नामेंट आएगा तो आप सबको पता चल जाएगा कि प्रो पंजा लीग जो है वो बहुत ही जल्द कुछ सालों में ही वर्ल्ड लेवल के लोग इसमें आना चाहेंगे। इस साल भी कई कंट्री से लोग आना चाह रहे थे, लेकिन हमने ये किया हुआ है कि पहले 2 साल हम सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को डेवलप करेंगे, सिर्फ इंडियन टूर्नामेंट रहेगा, उसके बाद जब लीग फेज में जाएंगे तो उस टाइम जो बाहर के खिलाड़ी हैं उनको भी लेना शुरू करेंगे, और इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल लेके जाएंगे। और हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्द 2-3 साल के अंदर ये वर्ल्ड का सबसे टॉप आर्म रेसलिंग लीग हो, और सब कुछ ठीक रहा, ऊपर वाले का साथ रहा, तो वो हम प्रॉमिस जरूर करते हैं। तो थैंक यू सो मच मनीष भाई, आपके साथ बात करके थैंक यू सर, अच्छा लगा। और जल्द ही आप इसको इंटरव्यू को ऑनलाइन देखेंगे, और आप सब सेफ रहिए प्लीज, एंड फिर May 3rd के बाद जब खुलता है फिर उसके बाद फिर दोबारा सब बात करेंगे और मिलेंगे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।